बिहार सिविल कोर्ट 7692 पोस्ट पर जो एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को होने वाला है, क्या वो एग्जाम हो पाएगा? अगर एग्जाम होता है तो क्या शेड्यूल रहेगा और आप लोग का स्किल टेस्ट कब लिया जाएगा और क्या सिलेबस होगा, ये सभी डिटेल आपको यहां पे पता चलेगा। और साथ में आपको हम पियोन का और गढ़ का एग्जाम डेट भी बताने वाले हैं। आइए इस वीडियो में अगर पूरा बने रहते हैं तो आपको सभी चीज सटीक ऑथेंटिक आपको पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम को लेकर के। बहुत दिन से इसका एग्जाम फंसा हुआ था, बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों में था कि बिहार सिविल कोर्ट में जो चार पोस्ट निकला हुआ है, स्टेनोग्राफर का है, कोर्ट रीडर का है, पियोन का है और क्लर्क का है, जिसमें से अभी अपडेट जो आ रहा है 17 दिसंबर को इसका एग्जाम होने का संभावना है, वो स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का है। लेकिन उसमें भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि उस समय में बहुत ज्यादा एग्जाम है, बिहार दरोगा का भी एग्जाम है, बिहार शिक्षक वगैरह का भी एग्जाम है, तो दिसंबर में बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अगर एग्जाम लिया जाता है तो पैटर्न उसका क्या होगा, किसमें पीटी होगा, किसमें मेंस होगा, और स्किल टेस्ट यानी कि जिसमें स्टेनो लिया जाएगा और जिसमें टाइपिंग लिया जाएगा, स्किल टेस्ट कब लिया जाएगा, रिटर्न के समय में ही ले लिया जाएगा या उसके लिए कोई नया डेट दिया जाएगा, ये सभी तरह का डाउट हम जब अपने कमेंट में यानी कि जो प्रीवियस वीडियो हम बनाए थे उसमें देखे, तो सोचे एक वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं। इसमें आप लोग को पूरा डिटेल से हम जानकारी देते हैं ऑथेंटिक कि आप लोग को क्या लग रहा है और क्या आयोग की तरफ से आप लोग के लिए व्यवस्था किया गया है। सबसे पहले जानिए कि बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम का अपडेट जो आया है वो अभी दो पोस्ट के लिए यानी कि स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर के लिए आया है। स्टेनोग्राफर में बात करेंगे तो 1562 पोस्ट था और कोर्ट रीडर में अगर हम बात करते हैं तो 1132 पोस्ट था। अगर हम बात करते हैं किसमें सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ तो सबसे कम हम देखेंगे कि टोटल फॉर्म फिलअप इसमें 23600 हुआ, जबकि आपको पता था कि जिस समय नोटिफिकेशन आया था बिहार सिविल कोर्ट का चारों पोस्ट के लिए तो बोला गया कि पीटी एग्जाम हम तभी लेंगे जब कम से कम 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहां पे 40,000 से ज्यादा लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया कोर्ट ट्रेडर के लिए और लगभग यहां पे 23,600 के लगभग में, मतलब 23,600 या 23,700 के लगभग में स्टूडेंट जो है अप्रोक्स अप्लाई किए हैं स्टेनोग्राफर के लिए, तो 40,000 से कम है। इसीलिए यहां पे एक डाउट तो आप लोग का खत्म होता है कि पीटी और मेन यहां पे लिया जाएगा कोर्ट रीडर के लिए, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, उसको आप पीटी कह के बुलाएं या मेन कह के बुलाएं, कुछ भी एक ही पेपर होगा, वो आप मेन ही समझ लीजिए, ठीक है, उसी पेपर के अनुसार आप लोग का जो है डिसाइड होगा मेरिट। लेकिन बात यहां पे क्या होता है कि इसमें जो एग्जाम होगा क्या वो 17 दिसंबर को हो पाएगा जो एग्जाम डेट दिया गया है। 17 दिसंबर में दो एग्जाम डेट, एक कोर्ट रीडर का और एक स्टेनोग्राफर का। कितना कितना सेकेंड शिफ्ट में बोला है कि स्टेनोग्राफर का हम एग्जाम लेंगे और फर्स्ट शिफ्ट में बोला है कि जितने भी लोग कोर्ट रीडर के लिए अप्लाई किए हैं उसका हम एग्जाम लेंगे। यहां मामला यह फंस रहा है कि 17 दिसंबर ऐसा डेट है जहां पे दरोगा का भी एग्जाम बिहार में लिया जाना है और दरोगा का जो एग्जाम सेंटर होगा ऑल ऑफ पूरे बिहार में होगा, ठीक है, लेकिन यहां पे इसका जो बिहार सिविल कोर्ट के अंडर में जो स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर है इसका कहा गया है सेंटर मैक्सिमम पटना ही रखने के लिए। तो यहां पे बात ये फंस रहा है कि दरोगा के लिए 7 लाख लोग अप्लाई किए हैं और इसके लिए भी लगभग देखिए 2.5 लाख यहां पे हैं, 25,000 मान लीजिए यहां पे हैं, लगभग 3 लाख लोग यहां हैं। तो बिहार में पटना में 3 लाख ये लोग और बाकी दरोगा के कुछ लोग होंगे, सभी का एग्जाम सेंटर अलग अलग होगा। अगर एक ही जगह होता है तो एग्जाम हो कैसे पाएगा, है ना, ये सब थोड़ा सा संभावना बन रहा है कम कि एग्जाम 17 दिसंबर को इसका हो पाएगा। और थोड़ा सा ये लग रहा है कि अभी तक आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, 6-7 तारीख हो गया है, मतलब उसके बाद अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। लेकिन अभी थोड़ा सा और आप लोग को सब्र रखना है, अगर 10 तारीख तक यानी कि 10 दिसंबर तक आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाता है तो आप लोग एकदम मान लीजिएगा कि आप लोग का एग्जाम 17 दिसंबर को नहीं ले पाएगा। कैसे ले पाएगा, इसका मतलब इसका व्यवस्था पूरा नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया और तुरंत 17 दिसंबर से पहले ही आपके वेबसाइट पे यानी कि आपका जो सिविल कोर्ट का वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पे नोटिस आप लोग को लग जाएगा कि इसका एग्जाम कब होगा। अगर 17 दिसंबर को इसका एग्जाम नहीं होता है तो लगभग संभावना रखिएगा 6 या 7 जनवरी तक में, मतलब कि 5 जनवरी के बाद आप लोग का एग्जाम लेने का संभावना बनेगा इसका, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में सीट खाली नहीं है, जगह जगह पे एग्जाम है और सेंटर ज्यादा खाली नहीं है। और इसमें कंफ्यूजन है कि दोनों का एग्जाम सेंटर को लेकर के भी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों को भरे हैं और शिफ्ट 1 में एग्जाम लेगा, शिफ्ट 2 में एग्जाम लेगा, ठीक है, जैसे इसी का एग्जाम है स्टेनोग्राफर का और कोर्ट रीडर का, तो बोला फर्स्ट शिफ्ट में लेंगे कोर्ट रीडर का और सेकेंड शिफ्ट में लेंगे, लेकिन सेंटर अगर सेम देगा,
सेम जगह अगर सेंटर देता है तब तो एग्जाम दो जो लोग दोनों भरे होंगे वो दे पाएंगे, लेकिन आप ही सोचिए कि कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर एक लड़का दोनों भर दिया, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में उसका एग्जाम पटना में है, ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट का इसका एग्जाम अगर दे देगा दरभंगा में, है ना, इसका एग्जाम अगर दे देगा मधेपुरा में, तो वो कैसे दे पाएगा एग्जाम जाकर के, उतना जल्दी वो कैसे जा पाएगा वहां पे। इसलिए सेंटर भी समान रहने का चांस है, अगर नहीं रखता है तो दिक्कत होगा, बवाल इस पे होगा। बाकी आगे आइए हम डाटा पे बात करते हैं। इसमें सिर्फ एक एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम। अब बात यहाँ पे ये है कि रिटर्न एग्जाम होगा कैसे, तो ऑब्जेक्टिव भी आपका क्वेश्चन आएगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टेनोग्राफर में एक ही एग्जाम होगा मेंस के तौर पे, तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों है। और डिस्क्रिप्टिव किस पेपर में, तो हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाएगा, लेख वगैरह लिखाया जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में, पैसे से भी क्वेश्चन आएगा और एसे राइटिंग भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखा जाएगा करीब 20-25 नंबर का। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ, तो 23,600 का लगभग में फॉर्म फिलअप हुआ है मात्र इसमें, और इसमें बात करते हैं बाद में। 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट होगा तो हम पीटी एग्जाम करवाएंगे, ये बोला गया था, जिसमें भी जिस भी सीट में पीओन के लिए भी 40,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है, हुआ ही है आपको पता है, तो उसके लिए भी पीटी एग्जाम होगा, क्लर्क के लिए भी हुआ तो इसके लिए भी पीटी एग्जाम कराया जाएगा, ऐसा बोला गया था आयोग के द्वारा। स्किल टेस्ट कब करवाया जाएगा, ये भी एक डाउट बन रहा है, ठीक है, स्किल टेस्ट, किसका स्किल टेस्ट बात कर रहे हैं अभी हम, स्टेनोग्राफर का। देखिए स्किल टेस्ट को लेकर के आप लोग अगर नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां पे लिखा गया, देखिए यहां पे भी आप 1, 2, 3 करके देख लेंगे, यहां भी लिखा गया है और एक और अंदरूनी वहां पे देखेंगे आप स्क्रीन पे लग करके आपको आ रहा है स्किल टेस्ट के लिए। देखिए यहां पे स्टेनोग्राफर के बारे में लिखा गया है, देयर शैल बी अ स्किल टेस्ट अलोंग विद द रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि आपका मुख्य परीक्षा के साथ साथ आपका कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा उसी समय में, यहाँ पे दिया गया। और एक आगे देख लीजिए आप लोग किसके लिए, कोर्ट रीडर के लिए, यहाँ पे देखिए क्या लिया गया, देयर शैल बी अ स्किल टेस्ट अलोंग विद द मेन रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग मैनर, और ये है आपका कोर्ट रीडर के लिए, मतलब दोनों में लिखा गया है कि आपका स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका रिटन एग्जाम यानी कि मेन्स एग्जाम, मेन एग्जाम के साथ साथ लिया जाएगा, ये डायरेक्ट कहा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड्यूर ऑफ सिलेक्शन में, तो प्री टेस्ट है, सेकेंड में रिटन टेस्ट है और थर्ड में इंटरव्यू है, और रिटन टेस्ट में दिया गया है द रिटन टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको बताया कि जो इसमें एक ही परीक्षा होगा ना, तो इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के यानी कि डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें पीटी एग्जाम होगा तो इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है, और इंटरव्यू 10 मार्क्स का आपके लिए है ही। तो यहां पे आपको समझ में आया कि आपका, अब देखिए बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए कंफ्यूजन था कि स्किल टेस्ट कब लिया जाएगा, तो जब आप लोग का एग्जाम होगा यानी कि 17 दिसंबर को अगर आप लोग का एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में होता है तो कहा गया है नोटिफिकेशन में ऐसा कि उसी समय आप लोग का हम क्या करेंगे कि स्किल टेस्ट भी लेंगे, जो भी स्टेनो वगैरह का काम है, जो भी सीपीटी है मतलब कंप्यूटर का जो भी नॉलेज लेना है, कंप्यूटर पर जो भी आपका स्किल चाहिए वो सब हम उसी समय ले लेंगे, मतलब मैक्सिमम चांस है कि जिस दिन आप लोग का मेंस होगा, मतलब जिस दिन आप लोग का एग्जाम होगा, आपका एक ही एग्जाम होना है, उसी दिन आप लोग का स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में बोला गया है। बाकी ऐसा भी आयोग कर सकता है कि इसका स्किल टेस्ट को होल्ड करके और इसका पीटी को ले लेगा, जैसे पीटी इसका होगा, आपका भी एक एग्जाम होगा, इसका भी एक एग्जाम होगा, दोनों का ले लिया, और स्किल टेस्ट दोनों का हो सकता है कुछ दिन बाद ले ले, मतलब जब भी डेट स्किल टेस्ट का आए तो इसका भी और इसका भी साथ में ले ले, लेकिन नोटिफिकेशन में जो लिखा गया है, ठीक है, अगर वो करवा पाता है तो उसी दिन आप लोग का करवा लेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को, नोटिफिकेशन में तो ऐसा ही लिखा गया है, अगर संभावना तो कुछ भी बन सकता है ना, नोटिफिकेशन में तो ये भी आएगा 17 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा, लेकिन देखना है कि एग्जाम होता है या नहीं होता है। ये हम आपको बता दिया कि स्किल टेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार आपका उसी दिन होगा जिस दिन मेन का पेपर आप लोग का होगा, ये हो गया। एग्जाम का मोड क्या होगा, तो ऑफलाइन पेपर आप लोग का आना है, टोटल क्वेश्चन 90 क्वेश्चन होंगे, इंटरव्यू 10 नंबर का होगा, मतलब 100 क्वेश्चन का आप लोग का एग्जाम होगा, इसमें 90 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन होगा और 10 नंबर का इंटरव्यू आप लोग का होने वाला है, जिसमें सिलेबस अगर हम बात करते हैं किसका, स्टेनोग्राफर का, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा इसके सिलेबस में खास करके आपका इंग्लिश हिंदी पे ज़्यादा कमांड आप लोग को बनाना है, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ये आप अच्छा से कर लेते हैं तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। हिंदी के लिए आपको हम अगर बुक सजेस्ट कर दें तो अग्रवाल का बुक आता है हिंदी का, पहले भी हम सजेस्ट किए थे बिहार सिविल कोर्ट के समय में, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं हिंदी के बुक के तौर पर, यहाँ पे आपका स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा, हिंदी का बुक है, काफ़ी बेस्ट बुक है, 25 नंबर यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और यही नहीं, अभी इस बुक को लेना इसलिए भी जरूरी है कि पीटी में तो काम देगा ही, जो भी समय बचा हुआ है मेंस भी तो सेम होने वाला है, मतलब ठीक है इसके लिए नहीं, कोर्ट रीडर के लिए, पीओन के लिए, क्लर्क के लिए, मेंस में काम देगा हिंदी के लिए,
वहां पे जीके जीएस के लिए 10 नंबर और कंप्यूटर जो 20 नंबर का है उसके लिए भी हमारे पास बुक आ चुका है जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा कंप्यूटर जागरूकता के नाम से। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, बस पतला सा किताब है, इसमें आप कंप्यूटर का सभी नॉलेज आपको देख करके याद कर सकते हैं। और 20 नंबर यहां भी, और अगर ये भरे हैं तो यहां भी बेसिक कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको फायदा हो जाएगा। और यही नहीं, मेंस में फिर पूछेगा तो मेंस में फायदा हो जाएगा, मतलब जब भी एग्जाम लेगा कंप्यूटर पूछेगा तो ये किताब आपके साथ हमेशा रहेगा। कंप्यूटर जागरूकता के नाम से 1700 प्लस अद्भुत प्रश्नों का संग्रह, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है पूछा था वो सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और काफी अच्छे से प्रैक्टिस सेट भी इसमें है, बना सकते हैं आप, और टोटल आप इसका डिस्कशन को पढ़ करके सभी क्वेश्चन का आप जवाब याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। कंप्यूटर किताब आप अगर चाह रहे हैं अच्छा, तो ये बुक आपका काफी बेस्ट रहेगा, ऑनलाइन जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, पियोन क्लर्क के बारे में बात करते हैं। मैथ से भी 10 क्वेश्चन रहेगा और बेसिक कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, तो ये सब मिला करके आपका 90 क्वेश्चन हो गया। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए, क्योंकि आप लोग का एक ही एग्जाम है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी लिया जाएगा। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, तो कोर्ट रीडर के बारे में। फर्स्ट शिफ्ट में कहाँ इसका एग्जाम लेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो जनवरी में आप लोग का एग्जाम हो ही जाएगा, क्योंकि कम संभावना है ना, आपको बताया संभावना क्यों नहीं बन रहा है। और 10 तारीख के अगर अंदर आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया तो हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद अगर नहीं आ पाया तो नहीं हो पाएगा आपका एग्जाम का, कोई नोटिस आ जाएगा कि बाद में एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम क्या, वही दोनों का, मतलब स्टेनोग्राफर का, कोर्ट रीडर का एग्जाम लेट से होगा और इसका तो बाद में नोटिस आएगा, मतलब पीओन का और क्लर्क का। इसमें आप देखेंगे कोर्ट रीडर में, इसमें पीटी और मेन दोनों होगा। सबसे पहले आपका पीटी कराया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें लगभग 2.5 लाख लोग फॉर्म भरे हुए हैं, तो इसमें 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट है तो पीटी कराना जरूरी है। इसमें 1/10 के रेशियो में इसको रिजल्ट देना है मेंस के लिए, मतलब जितना सीट है 1132 सीट है उसका 10 गुना ज्यादा इसको रिजल्ट देना है, मतलब 11320 रिजल्ट आप लोग का निकलेगा मेन में बैठने के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका कब होगा, तो पीटी हो जाएगा, ठीक है, और जब मेन होगा 2 महीने के बाद, उस समय जिस समय मेन होगा जिस दिन उसी समय आपका स्किल टेस्ट भी ले लिया जाएगा। कितने पर, तो टाइपिंग जो है आपका हिंदी होगा इंग्लिश होगा, जो भी टाइपिंग है जितना एक्यूरेसी है वो सब देख लीजिएगा आप लोग, और उसी के अनुसार आप लोग का टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा जिस समय आपका मेंस रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पीटी का अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन यही मेंस चल जाएगा तो वहां पे सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। लेकिन अभी जो एग्जाम होने वाला 17 को, वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला एग्जाम है। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन, हिंदी वही जो आपको हम किताब बताए, इंग्लिश से भी आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे जीके जीएस 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके और करंट अफेयर से पूछा जाएगा नॉर्मल। मैथ आपका 10 क्वेश्चन का रहेगा, रीजनिंग 10 क्वेश्चन का यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, और बेसिक कंप्यूटर तो सब में है, तो 15 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए आपको हम बुक बताए दिए, इस बुक को आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी फॉर्म को भरे हुए हैं, ठीक है। अच्छा बुक है, क्वेश्चन इसमें अच्छा अच्छा दिया हुआ है, बस आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये आपका सिलेबस है, जहां से अच्छा खासा सिलेबस आपको दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चन 90 है, इंटरव्यू मिला करके 10, यानी कि इंटरव्यू से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो 100 नंबर का एग्जाम होगा, जहां पे 10 नंबर इंटरव्यू और 90 नंबर आपका एग्जाम होना है। उम्मीद करते हैं जो भी डाटा आपको अभी तक हम दिए उससे समझ में आपको आ चुका होगा कि इसका एग्जाम कब होगा। बात करते हैं पियोन और क्लर्क का। देखिए, अगर इसका एग्जाम 17 दिसंबर को नहीं होता तो जनवरी में होगा, अगर इसका एग्जाम जनवरी में होता है तो आप लोग का नोटिस फरवरी में आएगा, अगर इसका एग्जाम दिसंबर में हो जाता है तो आपका नोटिस जनवरी में आएगा कि पियोन का और क्लर्क का एग्जाम हम कब लेंगे। और दोनों का एग्जाम याद रखिएगा अलग अलग होगा, एक साथ नहीं होगा, क्योंकि उसमें सीट ज्यादा है। इसका एग्जाम एक साथ इसलिए ले पा रहा है क्योंकि सीट दोनों में कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन पियोन और क्लर्क के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी निकला था, और मतलब इसमें बहुत ज्यादा सीट भी मतलब वैकेंसी गिरा है, बहुत ज्यादा लोग फॉर्म भरे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा। इसका नोटिस आप लोग को जनवरी में, अगर इसका एग्जाम होगा तो फरवरी में आएगा, एक महीने बाद आप लोग का नोटिस आएगा जब क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसके लिए कोई अपडेट नहीं है, आप लोग थोड़ा सा सब्र बनाकर रखें और अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसके लिए अपडेट करें, आपके सिलेबस के लिए क्या क्या कैसे पढ़ना है क्या करना है, तो आप नीचे कमेंट करें, एक्स्ट्रा वीडियो भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, आप लोग के समझ को जरूर बढ़ाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आया, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो को भी आए आपको आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कुछ लोगों में जो कि बिहार सिविल कोर्ट का फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।